इस्लाम की गलियां के लिए लड़की खुली तिजोरी की तरह होती है। 25K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट, तो क्यों ना हम सेलिब्रेट करें। पूरा रेलवे स्टाफ है और साथ में ये प्यारा सा फ्रेंडली कपल। यहाँ पे आप चाहे तो शावर भी ले सकते हैं। फर्स्ट एसी का सूप का टेस्ट कैसा है? ब्रेकफास्ट में आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या सर्व किया है। कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, वी हैव पेड 5,000 रुपीज फॉर वन टिकट। हेलो गाइज, हाउ आर यू डूइंग? दिस इज योर जो एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जो। आप मेरे पीछे देख रहे हो, बहुत ही स्पेशल ट्रेन है, मुंबई राजधानी। हम है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और वी आर जस्ट गोइंग टू टेक दिस एजेस मुंबई राजधानी एक्सप्रेस, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग और स्पेशल जर्नी है और इसमें हम लोग बहुत ही स्पेशल कोच प्राइवेट कैबिन में ट्रैवल करने वाले हैं। ये मेरी लाइफ का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा जो मैं फर्स्ट टाइम प्राइवेट कैबिन से जाने वाली हूँ, क्योंकि ये जर्नी बहुत स्पेशल है। वो मैं आपको अंदर चल के आराम से सीट पे बैठ के बताऊंगी, क्योंकि अभी जो टाइम है सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। लेट्स गेट इनटू द ब्यूटीफुल ट्रेन। सो मैं आपको अपना यहाँ का प्राइवेट कैबिन दिखाने वाली हूँ और रेड इंडिकेटर हो चुके हैं, गेट ऑटोमेटिक है, जो क्लोज हो रहे हैं। Yes, finally doors are closed. हम लोग अभी चल रहे हैं अपने केबिन में and I'm just gonna show you how it looks like from inside. See, this is the corridor. Wow, isn't so lovely? I'm super duper excited. Let's go. F. This is our F. Dang, dang, dang. Welcome. ये हमारा private केबिन जहाँ पे आज हम travel करने वाले हैं और बैठते हैं थोड़ा रिलैक्स करते हैं, क्योंकि भाग भाग के ट्रेन पकड़ के आए हैं। आज मैंने प्लेटफॉर्म आपको नहीं दिखाया, क्योंकि यूजुअली मैं पुरानी वीडियोस में बहुत बार दिखा चुकी हूँ, इसलिए मुझे लगा आज स्टार्टिंग जो है वो ट्रेन के बाहर खड़े होके किया जाए, ना कि भाग भाग के प्लेटफॉर्म पे। भाग के ट्रेन पकड़ी, दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग थिंग फॉर अस। वी आर गेटिंग लेट, कम फास्ट, बट अभी फाइनली हमने पकड़ लिया, ऑन टाइम है। देख सकते हो टाइम बिल्कुल एक्यूरेट है, 4:55 पे ट्रेन निकल चुकी है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से, प्लेटफॉर्म नंबर 3। यहाँ सर्व कर रहे हैं सबसे पहले पानी। थैंक यू। साथ में हमारे साथ है एक फैमिली। हेलो सर, आप नहीं थे उस टाइम, सिर्फ मैम थे। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से ही है। ओके, तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री वाटर बॉटल। कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, वी हैव पेड 5,000 रुपीज फॉर वन टिकट फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। मैम 5,000 पे तो किया है, वर्थ होगा आई थिंक, जब पूरा जब ट्रैवल हो जाएगा देन आई विल शेयर कि कितना आपको क्या लगता है वैसे कि 5,000 जो पे किए हैं वो वर्थ है। स्पेशल कोच है यार और स्पेशल ट्रेन है। मैंगो है, एप्पल है। अच्छा, दोनों ले सकते हैं क्या? हाँ, एक एक ले लीजिए। इसमें नहीं। ओके, हैंड सैनिटाइजर भी है। यस यस। और सबसे पहले है जूसेस। इवनिंग स्नैक्स की तैयारी चल रही है, इवनिंग स्नैक्स जो है इस टेबल्स पे शेयर किया जाएगा आपको, पूरा वीआईपी वाला फील दिया जा रहा है। ये सैनिटाइजर नहीं खुल रहा है मेरा तो, इसी पे अटकी हूँ मैं। मुझे बोलो क्या, ये मुंह में ही आ जाएगा, चलो सैनिटाइजर मुंह में सैनिटाइज हो जाएगा। दिस इज आवर कोच और यहाँ पे आप देख सकते हैं दो बर्थ होते हैं, अपर एंड लोअर फर्स्ट एसी में। और अगर अपर बर्थ पे जाना है आपको तो साइड में यहाँ देख सकते हो स्टेयर्स हैं, तो काफी इजीली जा सकते हो। रात को सोने के टाइम पे जाएंगे, फिलहाल यहाँ पे बैठ के अभी हम अपना स्नैक्स आ रहा है उसको एंजॉय करते हैं। आ गया हमारा स्नैक्स, आपको दिखाते हैं। और भी कुछ आने वाले हैं क्या? चलो जो भी आएगा, सबसे पहले आप इसको देख सकते हैं। सैंडविच है, इसमें स्वीट डिश है सोन पापड़ी, केचप एंड आलमंड्स, रोस्टेड आलमंड्स हैं। साथ में इधर कचौड़ी है, ये प्लेट, शुगर, सैनिटाइजर, वाइप्स, सब कुछ। चाय यस यस, चाय चाय तो बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट कर दिया सैंडविच से, सबसे पहले सैंडविच, बहुत भूख लगी है, लंच भी नहीं किया था, फटाफट ट्रेन पकड़ने के चक्कर में। एक तो बहुत सॉफ्ट और फ्रेश है, कचौड़ी भी मुझे ठीक लग रही है, गर्म भी है हल्की सी। चाय, चाय मैंने एक सिप लेके देखा था, अदरक वाली चाय है, मुझे तो बहुत पसंद आई है पर्सनली। कचौड़ी भी टेस्ट कर लेते साथ में। कैटरिंग बहुत अच्छी है यार राजधानी की, कुछ भी कहो। आर यू लाइक इट? कैन यू आल्सो? और साथ में हो रहा है सनसेट, थोड़ा सा क्लाउडी मिस्टी। लुक एट द स्टनिंग ब्यूटी, वाह!
ये है एक्चुअल मजा ट्रेन से ट्रैवल करने का, सनसेट और खाना पीना पूरा जोरों शोरों पे है। ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो आपके बहुत ही कम स्टॉप्स होंगे। जो पहला स्टॉप है ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर के बाद आने वाला है कोटा में। रात को 9:30 बजे ट्रेन पहुंचेगी। इस ट्रेन जर्नी के जो टोटल स्टॉप्स हैं 6 जगह रुकने वाली है ट्रेन, उसमें से सबसे पहले आता है कोटा, देन नगड़ा, रतलाम, बड़ोदरा, सूरत एंड बोरीवली, द लास्ट जो होगा वो मुंबई सेंट्रल है। तो टोटल जो है 1384 किलोमीटर 16 घंटे में तय करना, यू कैन से इट्स अ वेरी फास्ट ट्रेन। तो अभी हम आ चुके हैं डोर पे। अंदर बैठे बैठे थोड़ी सी बोरियत होने लगी थी, तो मुझे लगा क्योंकि डोर पे आया जाए, तो डोर पे आए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस से कैमरास हैं हियर, ठीक है। वॉशरूम्स हैं इंडियन स्टाइल, वेस्टर्न स्टाइल, विच इज क्वाइट नीट एंड क्लीन। मैंने अभी देखा जाके गेटवे ऑफ इंडिया की बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है, तो आप देख सकते हो मुंबई जा रहे हैं तो उसका एक सैंपल। इधर आ चुका है हमारा सूप, गर्मा गर्म। कौन सा सूप है? टमाटो सूप। ओके, ये है टोमेटो सूप जो हमें सर्व किया जा रहा है गरम गरम। सूप हमें सर्व कर दिया गया है, अब टाइम है इसको टेस्ट करने का। तो बटर दिया है, थोड़ा सा मिला लेते हैं, और इसमें है ब्रेड स्टिक, देख लेते हैं। वैसे मेरा मन तो नहीं है इसको खाने का, चलो टेस्ट कर लेते हैं मैं थोड़ा सा डिप करके। अभी मूड है सिर्फ सूप पीने का, और टेस्ट करते हैं कि फर्स्ट एसी का सूप का टेस्ट कैसा है। गुड, नॉट बैड, थोड़ा सा स्वीट है क्योंकि टोमेटो का है, तो बट बटर डालने से सही लगता है। अभी चीयर्स। अब सूप के बाद आपको दिखाते हैं वो सरप्राइज क्या था जो मैं बहुत टाइम से आपको बता रही हूँ। जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स मोर। सो गाइज, मैं बहुत टाइम से आपको बता रही थी कि एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, क्योंकि अब जो है मेरे हो चुके हैं 25K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट, तो मुझे लगा क्यों ना हम सेलिब्रेट करें। पूरा रेलवे स्टाफ है और साथ में ये प्यारा सा फ्रेंडली कपल, बहुत ऐसा टाइम स्पेंड हो रहा है हमारा। इट्स टाइम टू कट द केक। एंड ये पूरा स्टाफ है, ये पेंट्री मैनेजर है दोनों, और ये सब स्टाफ में है, वो पीछे भी है थोड़े से, थोड़ा आगे आगे दिखा दो। इतना अच्छा लग रहा है, इन लोगों ने सबने ज्वाइन किया। कट कर ले सर हम। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। ये सब आप लोगों के लिए है। तो पहले लेडीज फर्स्ट, तो मैम से शुरुआत करते हैं। प्लीज लीजिए, प्लीज प्लीज लो लेडीज फर्स्ट। आप लीजिए मैम। ये सब आप लोगों के लिए ही है, हम मिलके खाएंगे। आपको तो खिलाया नहीं, मेहनत करो। आप मुझसे बार बार पूछते हो ना, आप इतना ट्रेन में ट्रैवल क्यों करते हो, हर बार आपकी रेलवे वीडियोस क्यों आती हैं? उसका रीजन ये है, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, यहीं पे मिल सकता है। थैंक यू सो मच गाइस। अब ये आप सब लोग, सो मैं आपको यहाँ का वॉशरूम दिखाती हूँ जहाँ पे आप मॉर्निंग में स्नान भी कर सकते हैं सपादिन के लिए। सो हियर यू कैन सी द वॉशरूम। इधर शावर के लिए टैप दिया हुआ है, हॉट वाटर के लिए गीजर है राकोल्ड का, एयर फ्रेशनर है, और यहाँ पे कुछ भी हैंग करना है विंडो है, हैंड वॉश के लिए लिक्विड सोप है, और इधर है आपकी जो, तो यहाँ पे हिल रही हूँ मैं, तो यहाँ पे आप चाहे तो शावर भी ले सकते हैं। तो आओ मैं आपको यहाँ का कूपे दिखाती हूँ। हियर दिस इज द कूपे कोच, जहाँ पे प्रीवियसली रहती है सिर्फ ओनली 2%। हम इंडियन रेलवे से नेक्स्ट टाइम कहना चाहेंगे प्लीज हमारा भी अपग्रेडेशन जो है कूपे में करना। इधर हमारी डिनर की प्रिपरेशन चल रही है, प्लेट हमें दे दी है, खाने में देखते हैं कि क्या क्या सर्व किया जाएगा। वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों ऑप्शन हैं, सो लेट देम कम। गर्मा गर्म चपाती भी सर्व हो रही है, और बाकी देख रहे हो अभी थाली में काफ़ी सारी चीज़ें सर्व कर दी है। मैं सोच रही हूँ मैं पूरा फिनिश कर दें फिर आपको पूरी थाली दिखाती हूँ क्या क्या सर्व किया जा रहा है, बस एक ही कभी के लिए। सो फाइनली हमारी प्लेट में क्या सर्व किया जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हो ये है नॉनवेज थाली और ये है वेजिटेरियन। वेजिटेरियन थाली में 2 चपाती, सब्जी, पनीर, दाल, और इसमें बस एक्स्ट्रा जो है वो नॉनवेज है, और साथ में मीठे में स्वीट डिश में है आइसक्रीम, कर्ड, पिकल, ये सब है। काफी अच्छा लग रहा है। आपका रिव्यू कैसा है खाना? बहुत अच्छा है, फ्रेश, गर्म,
एंड यू लाइकिंग द फूड? या टेस्ट इज गुड. तो हम भी खा लेते हैं, भूख लगी. आइसक्रीम खाते खाते कब कोटा आ गया हमें पता ही नहीं चला. हमारी गाड़ी पहुंच रही है अभी कोटा रेलवे स्टेशन. यहाँ पे 10 मिनट्स का होल्ट है, तो हम सोच रहे हैं क्यों ना बाहर चलते हैं, थोड़ा सा प्लेटफॉर्म की वॉक करके आते हैं और आपको दिखाते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पे ट्रेन आई है. तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं डोर पे. पैसेंजर भी जो है अभी उतरने वाले ऑलरेडी यहाँ पे खड़े हैं. डोर्स जो है वो ऑटोमेटिक है, वेट करते हैं डोर्स के ओपन होने तक. एंड डिनर वाज सो 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 डिलीशियस. पेंट्री जो है वो इन्हीं की है कि नहीं जाफर जी? पेंट्री जो है वो इन्हीं की है. नीलन कंपनी है, बहुत टेस्टी खाने लेते हैं. डोर्स हो गए ऊपर. गाड़ी जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई है और होल्ट है 10 मिनट का, तो थोड़ा सा प्लेटफॉर्म की वॉक भी हो जाए आइसक्रीम खाते खाते. और यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे स्टॉल्स हैं. यहाँ पे पहुँचने का टाइम है 9:30 ऑन टाइम है. और यह बहुत लाइवली सा स्टेशन आप कह सकते हो. दोस्तों हम लोग अंदर ट्रेन के, कभी भी डिपार्चर हो सकते हैं. जैसे कि कोटा जो है वो यहाँ कोटा पत्थर के लिए और IIT की स्टडी के लिए बहुत फेमस है दूर दूर से. स्पेशली हमारे हिसार से बहुत सारे फ्रेंड्स और मेरे बहुत से नॉन्स हैं जो यहाँ पे आके स्टडी करते हैं. IIT की प्रिपरेशन एंड स्टडी के लिए बहुत पॉपुलर है. सो रेड इंडिकेशन आ चुका है, डोर्स ऑटोमेटिक क्लोज हो चुके हैं. कोटा जंक्शन से हमारी ट्रेन रेडी है डिपार्चर के लिए. वेस्ट सेंट्रल रेलवे आपका यहाँ स्वागत करती है. हम चलते हैं अभी अपनी सीट पे और थोड़ी देर रेस्ट करेंगे. नेक्स्ट जंक्शन पे देखते हैं, अगर नींद खुलती है तो आपको दिखाएंगे. होपफुली नेक्स्ट स्टेशन रतलाम पे उठे, रतलाम की गलियों में मिलते हैं. सो आइए मैं अभी आपको ट्रेन का इंटीरियर दिखाती हूँ. यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज दी जाती है ट्रेन के अंदर. पहले तो आप अनाउंसमेंट सुन सकते हो. यहाँ पे 3 लैंग्वेजेस में इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश एंड मराठी. मराठी इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र जा रही है ट्रेन. कंफर्टेबल पूरी स्पेशियस सीट्स हैं सोने के लिए. इसके अलावा यहाँ पे बेडशीट, आपको हैंड टॉवल, बहुत ही प्यारी सी सॉफ्ट क्विल्ट है, पिल्लो है, ये सब चीजें दी जाती हैं. इसके अलावा यहाँ पे अगर आपको स्टडी अलग से करनी है तो ये लाइट्स, तो इलेक्ट्रिक सॉकेट, मोबाइल, लैपटॉप इजीली आप लगा सकते हैं. इधर देखेंगे तो यहाँ पे हैंगर दिया हुआ है, कुछ भी हैंग करना चाहते हैं. फायर अलार्म भी है. और इसके अलावा यहाँ पे कुछ इमरजेंसी हो, ट्रेन पुल चेन भी है बट इन इमरजेंसी ओनली. और यहाँ ये है स्पीकर, पूरी आपको अनाउंसमेंट क्लियर सुनाई देगी. और सेंट्रलाइज AC है और सर्दी है अभी तो हीटेड का काम करते हैं. सो इसके अलावा अगर आप कुछ सामान रखना है तो यहाँ रख सकते हो. मिरर है बहुत ही साफ सुथरा. ये देखिए यहाँ डस्टबिन दिया है. सो लिटर मत करे, अपने गाड़ी को खराब मत कीजिए. अगर आपको सोना हो तो इसको ऐसे खोल लेंगे तो पूरा बेड बन जाएगा, व्हिच इज लाइक मोर कंफर्टेबल. सो ये हमारा सेटअप हो चुका है सोने के लिए. क्विल, ब्लैंकेट, चादर सब ओपन कर लिया है. एंड जस्ट नाउ वी आर गोइंग टू स्लीप फॉर अ व्हाइल, मे बी वेक अप एट रतलाम. सी यू देयर. सो अभी रात के बज चुके हैं 12:12 एंड ट्रेन निकल रही है नागदा स्टेशन से, तो सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट था. तो टाइम हो चुका है 12:41. टाइम जो था ट्रेन पहुंचने का वो था 12:30, तो ऑलमोस्ट 11-12 मिनट लेट है बट ठीक है. और ये लोग अभी रतलाम में उतरने वाले हैं, इनका घर है ठीक है. तो इन्होंने मुझे बताया रतलाम जब भी आओ तो यहाँ का पोहा और सेव. सेव क्या? सेव नमकीन होता है. हाँ सेव, वो राजस्थान में भी मिलता है वैसे. हाँ बट रतलामी सेव फेमस है, MP में है. तो आप आओ तो ये ट्राई करना. हम बस स्टेशन आ जाए, प्लेटफॉर्म पे निकल के 2 मिनट के लिए जाएंगे बस, क्योंकि स्टॉप जो है वो 2 या 3 मिनट का ही है ना. रतलाम की गलियां, टाइम 12:46. जब भी मेट वाला डायलॉग याद आ रहा है, अकेली लड़की खुली तिजोरी की तरह होती है. तो जल्दी से अंदर ट्रेन में चलते हैं क्योंकि रात का टाइम बहुत तेज हो चुका है. नींद छोड़ के सिर्फ ये स्टेशन दिखाने के लिए आए हैं, MP का स्टेशन. एंड श्रेयांश जैन, यू आर बीइंग मिस्ड. आप इस ट्रेन जर्नी में होते तो बहुत मजा आता क्योंकि वो रतलाम से ही है. श्रेयांश, वी आर गोइंग टू मीट यू वेरी सून. चलो सुनंदर, 2 मिनट का स्टॉप है. फुल सनराइज, ये ट्रेन का असली मजा है. मॉर्निंग में सनराइज और इवनिंग का सनसेट, यू कांट मिस. ट्रेन की फुल स्पीड. सो गाइस फाइनली हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है यहाँ पे और सुबह के हो चुके हैं 7:30.
सात बजे से यहाँ पे लगा दिया था इन्होंने ब्रेकफास्ट के, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। ब्रेकफास्ट में आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या सर्व किया है। ब्रेड है 2 slices और इधर ऑमलेट, जूस, बनाना, कॉर्नफ्लेक्स, उसके लिए हॉट मिल्क, पोहा है और कटलेट, काफ़ी सारी चीज़ें ये देते हैं। तो अगर वेजिटेरियन लवर है तो आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। आई कैन सी दोस्तों हम लोग अभी पहुंच चुके हैं बोरीवली, ये हमारा सेकंड लास्ट स्टेशन है और उधर से आप देख रहे हो साथ में जा रही है इधर वो है मुंबई की लाइफ लाइन, लोकल ट्रेन ऑफ मुंबई। कितने सारे पैसेंजर, ऑलमोस्ट लाखों पैसेंजर एक दिन में ट्रैवल करते हैं, तो कह सकते हैं मुंबई की लाइफ लाइन है। ब्रेकफास्ट फिनिश हो चुका है, सिर्फ अभी चाय की उम्मीद है। चाय पी लेते हैं गरम गरम बना के। अच्छी ये सेशन दिया है मसाला चाय का। बोरीवली से हो चुका डिपार्चर, सिर्फ 2 मिनट का ही होल्ड था यहाँ पे। नेक्स्ट जो आने वाला है मुंबई सेंट्रल, जो कि हमारा लास्ट डेस्टिनेशन होगा। टाइम हो चुका है 8:25 और अनाउंसमेंट हो गई है कि 5 मिनट में हम लोग पहुँचने वाले हैं और लास्ट डेस्टिनेशन मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। मुंबई सेंट्रल आ गया जी। तो मुंबई सेंट्रल आ गया, लास्ट आवर डेस्टिनेशन और पंक्चुअलिटी ट्रेन की विच इज क्वाइट वेरी वेरी अमेजिंग। बाहर चलते हैं फिर एक बार आपको बाहर ट्रेन का जबरदस्त लुक दिखाती हूँ। दोस्तों हमारी तेजस दिल्ली मुंबई राजधानी पहुंच चुकी है एकदम टाइम पे। जर्नी का एक्सपीरियंस था ना बहुत ही खूबसूरत रहा, ऑन टाइम, पंक्चुअलिटी, फूड, साफ सफाई, एवरीथिंग वॉज लाइक 10 out of 10। आई गिव दिस रेटिंग। लास्ट आई वॉन्ट टू से नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली से इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई तक का सफर बहुत खूबसूरत रहा। यू मस्ट ट्राई दिस ट्रेन जर्नी और इसी नाम पे हम लोग यहाँ से करते हैं आपको बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से आपसे मिलने वाले हैं, तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा ताकि इस ट्रेन से ट्रैवल कर सके लोग और एक्सपीरियंस ले सके हमारे खूबसूरत इंडिया की इस खूबसूरत ट्रेन का। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव गाइज। सो दोस्तों ये ट्रेन जो है वो शाम को 5:10 में फिर से रवाना होगी। अब नाम इसका चेंज हो गया है, इसका नाम हो चुका है अभी अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस। शाम को 5:10 से चलेगी मुंबई सेंट्रल से हजरत निजामुद्दीन के लिए। ये ट्रेन का बिल्कुल लुक ही चेंज कर दिया, नाम देखो वहाँ पे मुंबई से हजरत निजामुद्दीन चेंज हो गया। जैसे ही आप मुंबई में पहुंचते हो ना तो जैसे मेरा ये ट्रॉली बैग है देखो येलो एंड ब्लैक, सेम टैक्सी का कलर है यहाँ पर, खूबसूरत सी येलो एंड ब्लैक कलर की टैक्सी। ये मुंबई की पहचान है और ये भाईजान हमें लेके जाने वाले हैं काठियावाड़ गुजरात से मुंबई में मिले। चलिए